अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स, कैसे हैं आप सब। सिक्स क्लास, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपनी दिसंबर प्लान की स्टोरी की थी, काइंडनेस ऑफ द होली प्रॉफिट। आज के लेक्चर में हम अपनी एप्लीकेशन करेंगे दिसंबर प्लान की। अब एप्लीकेशन कौन सी है? एप्लीकेशन है फॉर अ फॉर अ डिस्चार्ज या फिर लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है? फॉर अ डिस्चार्ज या फिर लिविंग सर्टिफिकेट कि आप लोग स्कूल से जा रहे हैं, आप लोग किसी और स्कूल में आपने एडमिशन लेना है, जिसके लिए आपको पिछले स्कूल से लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसके लिए आज हम एप्लीकेशन लिखेंगे। सिक्स क्लास, जैसे जैसे मैं एप्लीकेशन लिखूंगी, आप लोगों ने भी मेरे साथ उसी तरह से एप्लीकेशन लिखनी है। और आपको पता है कि आपने कहाँ पर कॉमास लगाने हैं, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाने हैं, तो आपने उसका भी ध्यान रखना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। द प्रिंसिपल ए बी सी स्कूल, ये आपको पता है कि हम अपने स्कूल का नाम नहीं लिखते हैं, तो आप लोगों ने भी नहीं लिखना। द प्रिंसिपल के बाद भी कॉमा, एबीसी स्कूल के बाद भी कॉमा। नेक्स्ट हमने लिखना है लाहौर। लाहौर के बाद हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप। यहाँ पर हमारा एक पार्ट ख़त्म होता है और हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। उसी के नीचे आप लोगों ने एक लाइन छोड़ कर उसके बाद आपने लिखना है रिस्पेक्टेड मैडम। रिस्पेक्टेड मैडम के बाद भी आपको पता है कि हम कॉमा लगाते हैं। यहाँ पर कॉमा लगा लिए, ये हम लोगों ने कॉपी के यानी पेज के लेफ्ट साइड पर लिखना है। उसके बाद यहाँ तक जब हम लिख लेंगे, हमने अपना यहाँ पर लाइन छोड़ देनी है, थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है, और उसके बाद हमने यहाँ से नीचे से लिखना स्टार्ट करना है इसके। रिस्पेक्टेड फुली इट इज इट इज सबमिटेड दैट माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड रावलपिंडी आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू बी काइंड इनफ टू ग्रांट मी अ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सो दैट आई कैन कंटिन्यू माई स्टडीज। क्लास, यहाँ तक लिख कर आप लोगों ने ये लाइन छोड़ देनी है। अगर आपके पास स्पेस बचती है, आपने उसको छोड़ देनी है। अब जो नेक्स्ट हमने लिखना है, वो नेक्स्ट लाइन से लिखना है, उसमें भी आपने यहाँ पर स्टार्ट में स्पेस छोड़
छोड़ देनी है। जैसे आपको पता है कि हम लास्ट लाइन को 2 या 3 फिंगर्स का गैप देते हैं और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे? आई शेल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंडनेस। अब फिर आगे से हमने स्पेस छोड़ देनी है और अपनी एप्लीकेशन को एंड करना है। अब इस तरह जब हम एंड करते हैं, आपको पता है कि हम लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली, तो वो भी आप लोगों ने लेफ्ट साइड पर ही लिखना है, योर्स ओबीडियंटली। और आपको पता है कि ओबीडियंटली के बाद हम लोगों ने क्या लगाना है? कॉमा लगाना है और ओ हमने कैपिटल लिखना है। अब एप्लीकेशन को एंड करेंगे, हम लोग अपना नाम नहीं लिखते हैं, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? एक्स वाई जेड और आगे फुल स्टॉप। यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है। अब मैं आपको एक दफ़ा दोबारा इसको रीड आउट करके बताती हूँ। एप्लीकेशन फॉर अ डिस्चार्ज लिविंग सर्टिफिकेट द प्रिंसिपल कॉमा ABC स्कूल कॉमा लाहौर फुल स्टॉप। रिस्पेक्टेड मैडम, रिस्पेक्टफुली इट इज़ सबमिटेड डैट माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर टू रावलपिंडी। वो कहते हैं कि रिस्पेक्टेड मैडम, रिस्पेक्टफुली इट इज़ सबमिटेड डैट माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर टू रावलपिंडी। मौतबाना गुजारिश है कि मेरे फादर यानी अब्बू का ट्रांसफ़र यानी तबादला रावलपिंडी हो गया है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू बी काइंड इनफ टू ग्रांट मी अ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, रिक्वेस्ट का क्या मतलब होता है? गुजारिश करती हूँ कि मेहरबानी फरमाकर मुझे स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट अनायत फरमाएं, सो डैट आई कैन कंटिन्यू माई स्टडीज, इस ताकि मैं अपनी स्टडीज़ यानी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकूँ। आई शेल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंडनेस। मैं इस मेहरबानी के लिए आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। योर्स ओबीडियंटली, आपकी ताबिया फरमान XYZ। सिक्स क्लास, ये हमारा आज का लेक्चर था। एक लेक्चर में हमने एप्लीकेशन लिखी है, आप लोगों ने अपनी कॉपी के ऊपर भी इसको एज इट इज़ उतारना है। जहाँ पर कॉमर्स है वहाँ पर कॉमर्स लगाने हैं, जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ पर फुल स्टॉप लगाने हैं, और जो पैटर्न मैंने आपको बताया है आपने उसी पैटर्न से अपनी कॉपी पर काम करना है। प्रॉपर डेट एंड डे मैंशन करनी है, मार्जिन लाइन्स ड्रॉ करनी है और आपने काम करना है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।